वेलकम टू मूवीज अ टाइम, दिस इज योर बॉलीवुड गाय G9 यानी कि दिव्य सोलकामा। चलिए बात करते हैं इस हफ्ते की एकमात्र बड़ी रिलीज फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स की। हमारे देश में मूवीज रिलेटेड टू किड्स वे टर्म्ड एज किड्स फ्लिक या के कार्टून फिल्म्स। हाँ, ओकेशनली किड्स लविंग टाइप्स की फिल्में जैसे कि ब्रह्मचारी, मिस्टर इंडिया, कोई मिल गया एंड मेनी मोर आती थी, लेकिन विद फिल्म्स लाइक हनुमान, माय फ्रेंड गणेशा, तारे जमी पर एंड भूतनाथ द होल जॉनरा फाउंड इट्स डिजर्व्ड एग्जिस्टेंस इन आवर कंट्री एज दे वर लव्ड बाय बोथ चिल्ड्रंस एज वेल एज एडल्ट्स। अब भूतनाथ की बात करें तो इट वॉज अ ट्रेंड सेटर इन इट्स ओन वे, क्योंकि इससे पहले हमने कभी भी कोई सुपरस्टार को ऐसी फिल्मों से जुड़ते नहीं देखा है। अमिताभ बच्चन जाने जाते अपने पाथ ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन अवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कारण, और भूतनाथ भी उनमें से एक थी। ये फिल्म एक वेकेशन ट्रीट थी एंड ऑल्सो इंसेप्टेड द फोर्थ जनरेशन ऑफ फैंस फॉर अमिताभ बच्चन। अब एक काफी लंबे अरसे के बाद मिस्टर बच्चन रीअपियर्स विद अ सीक्वल ऑफ भूतनाथ इन फॉर्म ऑफ भूतनाथ रिटर्न्स। इसके पहले प्रोमो से ही मूवी लवर्स काफी उत्सुक थे टू सी द मूवी ड्यू टू द पॉलिटिकल सटायर अटैच्ड टू इट। तो इसीलिए चलिए जानते हैं कि क्या भूतनाथ रिटर्न्स विल पास द एसिड टेस्ट ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस अटैच्ड ड्यू टू द पास्ट ग्लोरी एंड फैंटास्टिक प्रोमो, या कि ये फिल्म भी उन तमाम सीक्वल्स की तरह होगी विच वर मेड ओनली टू कैश ओवर इट्स अर्लियर सक्सेस। भूतनाथ रिटर्न्स फिल्म की कहानी है कैलाश नाद यानी कि भूतनाथ यानी कि अमिताभ बच्चन की, जिसे धरती पे वापस भेजा जाता है ताकि वे लोगों को डरा सके एंड फुलफिल हिज ड्यूटीज ऑफ बीइंग अ घोस्ट। अब कुछ बच्चों को डराने के चक्कर में उनकी मुलाकात होती है अक्रोट यानी कि पार्थ भालेराव से, जो उन्हें सुन और देख भी सकते हैं। मैं छुड़ा दू हरी बनेगा। भूतनाथ अक्रोट की मदद करते हैं टू अर्न सम क्विक मनी एंड तभी उनकी मुलाकात होती है करप्ट लोकल पॉलिटिशियन भाव यानी कि बमन ईरानी से, एंड इसके बाद भूतनाथ डिसाइड करते हैं कि वे भाव के सामने इलेक्शन लड़ेंगे, और इसके आगे जो होता है वही फिल्म की आगे की कहानी है। सर, वो श्रीवास्तव साहब की फाइल अटकी हुई है। तेरी आवाज को क्या हुआ बे? वो क्या है ना सर, अपन की बात में दम है तो आवाज में भी होना चाहिए ना। फिल्म की स्टोरी रिफ्रेशिंगली डिफरेंट एंड टोटल एंगेजिंग है एंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग अनरियलिस्टिक थीम द मूवी सीम्स बिलीवेबल ड्यू टू द फैंटास्टिक राइटिंग अटैच्ड टू इट। फिल्म में ढेर सारे कमाल के सीन्स है जो आपको काफी पसंद आएंगे। फिल्म के डायलॉग्स आर स्टनिंग। फिल्म में इतनी पॉजिटिविटी है कि देयर इज हार्डली एनी स्कोप फॉर नेगेटिव पॉइंट्स एक्सेप्ट फॉर द एंड क्रेडिट्स एज यू डोंट वांट द मूवी टू एंड। हाँ, नरेशन स्टाइल थोड़ा क्रिस्पियर होता तो और भी मजा आ जाता एज एट टाइम्स इट टेंड्स टू स्लो डाउन। साथ ही द गोस्ट एक्सेप्टेंस बाय द पीपल इज शोन वेरी इजीली। अब म्यूजिक की बात करें तो फिल्म को प्रोड्यूस किया है टी सीरीज ने एंड डज द सॉन्ग्स आर ग्रेट। पार्टी तो बनती है एंड हर हर गंगे आर चार्ट बस्टर एंड फुट टैपिंग, जिन्हें सुन के अमिताभ बच्चन के गानों की याद आ जाती है। साहिब विल ब्रिंग टीयर्स इन योर आईज एज द होल सिचुएशन ऑफ अवर कंट्री इज वेल एक्सप्लेन्ड इन दिस वन सॉन्ग। धारावी रैप एंटरटेनिंग है अलॉन्ग विद पार्टी विद भूतनाथ इन द एंड क्रेडिट्स। डायरेक्टर नीतीश तिवारी ब्रिंग्स अस अ वंडरफुल सीक्वल ऑफ भूतनाथ इन फॉर्म ऑफ भूतनाथ रिटर्न्स। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक नीतीश ग्रेटिफाइज टू एवरी एज ग्रुप एज द मूवी हैज लॉट्स टू ऑफर। फिल्म के साथ जुड़े मैसेज को एंटरटेनिंग मैनर में पेश किया है जिसके कारण इट नेवर सीम फोर्स और वर्बोस। भूतनाथ रिटर्न्स काफी सवाल उठाते हैं जो कि लोगों के मन में चल रहे हैं फॉर इलेक्शंस, वोटिंग्स एंड करंट हैपनिंग्स इन आवर कंट्री को लेकर। एंड अनलाइक अदर फिल्म्स, ये फिल्म आपको कई सवालों के जवाब भी देती है एंड शोज अस अ ब्यूटीफुल फ्यूचर फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। प्रजातंत्र में आपका वोट आपकी आवाज। जो लोग वोट नहीं डालते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी आवाज देश के कानों तक पहुंचे। तो वक्त आ गया है उन लोगों को बताने का कि अगर वो बोलना नहीं चाहते तो हम भी कुछ सुनना नहीं चाहते। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो वी ऑल नो दैट द फैंटास्टिक कैलिबर ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड दैट ही डज फुल जस्टिस टू इट। ही इज प्रोडिजियस इन हिज परफॉर्मेंस एंड विल फैसिनेट यू विद हिज कॉमिकल, इमोशनल, ड्रामेटिक एंड डांसिंग सीन्स। ही इज क्यूट व्हेन ही इज विद द किड्स, फेरोशियस अगेंस्ट हिज ओपोनेंट एंड सेंसिटिव इन द इमोशनल सीन्स। सच इज द पावर एंड करिश्मा ऑफ दिस एस एक्टर। बच्चन साहब के साथ साथ द मूवी ऑल्सो बिलोंग्स टू पार्थ भालेराव हु इज आउटस्टैंडिंग इन एवरी सीन। उनकी डायलॉग डिलीवरी एंड
expressions are mind blowing. He compliments Amitabh Bachchan with his natural and lovable performance. Boman Irani is great in his role and does full justice to it. Sanjay Mishra and Gajraj Rao lend good support in their character roles. Vahin Brijendra Kale, Usha Jadhav and others essay their part with total grace. The cameos by Anurag Kashyap, Ranbir Kapoor and Shah Rukh Khan are lovable. So, bol meri filmi khopdi, is film mein kitna hai dum? Dum? Well, this movie has lots of dum that is required for any feel-good type of film. Bhootnath Returns is not only restricted to kids but also appeal to the adult audiences. Ek homeopathy pill ki tarah, this movie too caters the bitter reality of our country in a sweet and entertaining format. It is a must watch for all Amitabh Bachchan fans as well as good movie lovers. And if wishes do come true, then let us all wish ki ab ki baar definitely Bhootnath ki hi ho sarkar, which will wipe away our misery for a better India. Trailer it, to picture it. और गाना हिट द पिक्चर सुपर जिसके कारण मैं इस फिल्म को 4.25 स्टार्स आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स देता हूँ. फॉर फुल लेंथ रिव्यू ऑफ भूतनाथ रिटर्न्स एंड मेनी मोर बाय योर बॉलीवुड गाइड G9 दिव्य सोलगामा, लॉग ऑन टू मूवीज अड्डा.